मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने किंग चार्ल्स की ताजपोशी के लिए कैनेडियन वक्त का ऐलान कर दिया। ट्रूडो गवर्नर जनरल मैरी साइमन चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत करेंगे। कैनेडा की मुसल्ह अफवाज के 45 अरकान का दस्ता एक फौजी परेड में हिस्सा लेगा। कैनेडियन वजीर आजम के भाई की मुतनाज़ फंडिंग पर एथिक्स कमेटी के सामने गवाही। अलेक्जेंडर ट्रूडो का कहना था कि फाउंडेशन किसी भी गैर मुल्की मदाखलत में मुलविस नहीं है। एहतियात का मकसद फाउंडेशन के जरिए स्कॉलरशिप फंड कायम करना था। कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी का हुकूमत के साथ आर्जी मुहायदा, 35,000 मुलाजमीन की हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। PSAC और CRA ने मुहायदे की तस्दीक कर दी। रवां साल के पहले 4 माह में अमेरिका को फिर से डिफ़ॉल्ट का खदशा। अमेरिका में शरह सूद 16 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने हिकमत अमली के लिए 9 मई को इजलास बुला लिया। यूक्रेन ने क्रेमलिन पर ड्रोन हमला करके प्यूतिन को मारने की कोशिश की, रूस का दावा। यूक्रेनी सदर का कहना था कि प्यूतिन पर हमला हमने नहीं किया। रूस ने यूक्रेन जंग में अपने हलाक फौजियों की तादाद से मुतालिक अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट, इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, PNP एंड PR वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने उन नामों का ऐलान किया जो उनके और गवर्नर जनरल मैरी साइमन के साथ हफ्ते के रोज़ किंग चार्ल्स की ताजपोशी के लिए सफ़र करने वाले कनाडा के दस्ते में शामिल होंगे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने उन नामों का ऐलान किया जो उनके और गवर्नर जनरल मैरी साइमन के साथ हफ्ते के रोज़ किंग चार्ल्स की ताजपोशी के लिए सफ़र करने वाले कनाडा के दस्ते में शामिल होंगे। ट्रूडो ने एक प्रेस रिलीज में ये भी ऐलान किया कि हुकूमत 30,000 कैनेडियंस को एहसास देने के लिए एक कोरोनेशन मेडल प्रोग्राम कायम करेगी, जिन्होंने मुल्क, सूबे, इलाके या कम्युनिटी के लिए अहम शराकत की है या बैरून मुल्क कुछ हासिल किया है जो कैनेडा को क्रेडिट देता है। मेडल प्रोग्राम उस वक्त सामने आया जब लिबरल हुकूमत ने मुल्क के तख्त पर बैठने के 70वें साल के मौके पर गुज़िश्ता साल प्लेटेनियम जूबली मेडल तर्क करने का फैसला करने के बाद कुछ बादशाहत पसंदों की तनकीद का सामना किया। यह पहला मौका था जब कैनेडा में जूबली मेडल नहीं दिया गया था। ताजपोशी के लिए हाथ से चुनने वाला कैनेडियन दस्ता बादशाह के मफादात की अक्कासी करता है। साइंस, नौजवानों के मसाइल, मकामी उमूर, फौज और मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग से ताल्लुक रखने वाले लोगों पर तवज्जो मरकूज की गई है। कैनेडियन मेहमानों की फहरिस्त में खलाबाज जेरेमी हैंसन शामिल हैं, जो इस तकरीब के लिए मुल्क के परचम बरदार के तौर पर भी खिदमात अंजाम देंगे। हैंसन आर्टिमिस 2 मिशन के हिस्से के तौर पर अगले साल चांद का सफर करेगा। इसके साथ एक और कैनेडियन खलाबाज जेनिफर साइडी गिम्स वक्त में शामिल होंगे। ताजपोशी की तकरीब में कदीम मकामी कैनेडियन रहनुमा भी शिरकत करेंगे। कनाडा के वक्त में कई नौजवान रहनुमा शामिल होंगे। कनाडा की मुसल्ह फौज के 45 अरकान का दस्ता एक फौजी परेड में हिस्सा लेगा, जो लंदन में वेस्ट मिनिस्टर एबी में बादशाह की ताजपोशी सर्विस के बाद मुनक्किद होगी। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के भाई अलेक्जेंडर ट्रूडो ने अराकीन पार्लियामेंट की एक कमेटी को बताया कि उन्होंने सिर्फ पियर एलियट ट्रूडो फाउंडेशन को एक मुतनाज़ा अतिया के लिए दस्तखत किए हैं ताकि एक पार्टनर यूनिवर्सिटी को अपने वालिद का नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के भाई अलेक्जेंडर ट्रूडो ने अराकीन पार्लियामेंट की एक कमेटी को बताया कि उन्होंने सिर्फ पियर एलियट ट्रूडो फाउंडेशन को एक मुतनाज़े अतिया के लिए दस्तखत किए हैं ताकि एक पार्टनर यूनिवर्सिटी को अपने वालिद का नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। ऐवान की अखलाकियात कमेटी दो अफराद की तरफ से चैरिटी को दिए गए $2,00,000 के अतिये की तहकीकात कर रही है जिनका चीनी हुकूमत से ताल्लुक है। हिजब इख्तलाफ की जमातें सवाल कर रही हैं कि क्या ये अतिया बीजिंग की तरफ से वजीर आजम ट्रूडो की हिमायत हासिल करने की कोशिश थी। अलेक्जेंडर ट्रूडो ने फाउंडेशन की जानिब से अतिया के लिए दस्तखत किए थे। कंजर्वेटिव एमपी माइकल बैरेट ने ट्रूडो से पूछा कि उन्होंने फाउंडेशन के साथ मुंसलिक 20 सालों में कितनी बार अतियात के लिए दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा कि ये वाहिद वक्त था। ट्रूडो ने कहा, मैं यूनिवर्सिटी डी मॉन्ट्रियल को अपने वालिद का नाम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे रहा था, इसलिए खानदान के एक रुकन के तौर पर काम कर रहा हूँ। ट्रूडो ने मजीद कहा कि अतिये का मकसद फाउंडेशन के जरिए स्कॉलरशिप फंड कायम करना था। ये अतिया असल में दो चीनी ताजरों न्यू गैंगशेंग और जेंग बिन से मंसूब था। बाद में बताया गया कि ये अदायगी बिन की कंपनी मिलेनियम गोल्डन ईगल इंटरनेशनल से की गई थी। आखिर में फाउंडेशन ने कहा कि इसे अतिया दहिंदगान से $1,40,000 मौसूल हुए और रकम वापस करने की कोशिश की और रकम बिलाखिर दो ताजरों में से एक के अकाउंट में जमा कर दी गई। अलेक्जेंडर ट्रूडो ने पूरी समाअत के दौरान कहा कि फाउंडेशन चीन की तरफ से किसी गैर मुल्की मदाखलत की कोशिशों का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं ये कहने से डरता हूँ कि ये वक्त का सिया है, यहाँ फाउंडेशन में गैर मुल्की मदाखलत का मसला नहीं है। ट्रूडो ने कहा कि वो चंद बार डोनर से मिले। उन्होंने बताया कि जोंग बिन से उनकी पहली मुलाकात 2014 में हुई थी, इससे पहले कि उनके भाई की लिबरल पार्टी हुकूमत बनाने के लिए मुंतखब हुई थी। 2016 में जब ये अतिया मंजरे आम पर आया तो बिन तनाज़े के मरकज में था। अतिया को हतमी शक्ल देने से कबल बिन वजीर आजम के साथ एक लिबरल फंड रेजर में मौजूद था। कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी के मुलाजमीन की नुमाइंदगी करने वाली पब्लिक सेक्टर यूनियन ने वफाकी हुकूमत के साथ एक आर्जी मुहैदा किया है जिससे टैक्स के सीजन की तकमील के फौरन बाद 35,000 कारकुनों की हड़ताल ख़त्म हो गई है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी के मुलाजमीन की नुमाइंदगी करने वाली पब्लिक सेक्टर यूनियन ने वफाकी हुकूमत के साथ एक आर्जी मुहैदा किया है जिससे टैक्स के सीजन की तकमील के फौरन बाद 35,000 कारकुनों की हड़ताल ख़त्म हो गई है। एक मुमकिना मुहैदे का ऐलान कैनेडा की हुकूमत और पब्लिक सर्विस अलायंस की एक अलग डील करने के बाद सामने आया है जिससे 1,20,000 से जायद सरकारी मुलाजमीन की हड़ताल ख़त्म हो गई। PSAC की यूनियन ऑफ टैक्सेशन एम्प्लॉयज़ की नुमाइंदगी करने वाले CRA मुलाजमीन वफाकी टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख के दो दिन बाद भी हड़ताल पर थे। यूनियन ने बुध के अवाइल में धमकी दी थी कि अगर आजिर ने मुनसिफाना मुहैदा नहीं किया तो वो जुमेरात को ओटावा में लिबरल पार्टी के कन्वेंशन में खलल डालने के लिए अपने अराकीन को भेजने का मनसूबा बनाएगी। अपनी ही रिलीज में CRA ने कहा कि वो PSAC इज्तिमाई मुहैदे से बाहर टेलीवर्क पर एक आर्जी तस्वीर पर पहुंच गए। उसने कहा कि दोनों ने मजाजी काम के इंतजामात पर हिदायत का जायजा लेने और मुलाजमीन के खदशात के बारे में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को मशवरा देने के लिए एक पैनल बनाने पर इत्तेफाक किया। रवां साल के पहले 4 माह में अमरीका को फिर से डिफॉल्ट का खदशा हो गया है जिसके बाद अमरीका मजीद $726 बिलियन कर्जा लेने का इरादा रखता है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। रवां साल के पहले 4 माह में अमरीका को फिर से डिफ़ॉल्ट का खदशा हो गया जिसके बाद अमरीका मजीद $726 बिलियन कर्जा लेने का इरादा रखता है। अमरीका के सर भी दिवालिया होने का खदशा मंडलाने लगा। शरह सूद 16 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। शरह सूद में इजाफे के बाद अमरीकी मंडियां गिर गईं। डाव जॉन्स, S&P और नेस्टेक में मंदी देखी गई। अमरीका के सदर जो बाइडन ने हिकमत अमली के लिए 9 मई को इजलास बुला लिया है जिसमें कांग्रेस के मेंबरान शरीक होंगे। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने शरह सूद में 0.25% इजाफा कर दिया जिसके बाद शरह सूद 16 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने शरह सूद में 0.25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया जिसके बाद शरह सूद 5% से बढ़ाकर 5.25% पर पहुंच गया। रिपोर्ट से मुताबिक इस इजलास में कर्ज की हद पर बातचीत होगी। गुज़िश्ता दिनों अमरीकी वजीर ख़जाना ने खबरदार किया था कि अगर कर्ज की हद ना बढ़ाई गई तो 1 जून तक अमरीका दिवालिया हो जाएगा। कांग्रेस कर्ज की हद बढ़ाने या हद को मौतल कर दे। अमरीका की वजीर ख़जाना जैनेट येलन ने एक बार फिर तनबीह करते हुए कहा है कि अमरीका के डिफ़ॉल्ट होने का खदशा बदस्तूर मौजूद है। जेनेट येलन के मुताबिक अमेरिका 1 माह के दौरान डिफॉल्ट कर सकता है। 31.4 खरब डॉलर कर्जे की हद पर फौरी इकदाम किए जाएं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी वजीर खजाना कांग्रेस को
जल्द कानून साजी की अपील भी कर चुके हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर किसी भी किस्म के ड्रोन हमले की तर्दीद कर दी है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर किसी भी किस्म के ड्रोन हमले की तर्दीद कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी सदर ने फिनलैंड के दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस के सदर पुतिन पर हमला यूक्रेन ने नहीं किया। हम अपनी सरजमीन पर अपने लोगों और इलाके को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कीव मास्को को निशाना नहीं बना रहा और ना ही क्रेमलिन पर हमले से कोई ताल्लुक है। क्रेमलिन पर हमला रूस के इंतहाई रद्दअमल का सबब बन सकता है। रूस ने गुज़िश्ता रोज दावा किया था कि यूक्रेन ने सदर पुतिन को कत्ल करने की कोशिश में सदारती महल को ड्रोन से निशाना बनाया। ड्रोन हमले के बाद मास्को के मेयर ने बगैर इजाजत लिए ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी है। क्रेमलिन किले में पुतिन की रिहायशगाह पर मुबैना हमले में 2 ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन रूसी दिफाई निज़ाम ने उन्हें नाकारा बना दिया। रूस ने यूक्रेन जंग में रूसी हलाकतों की तादाद से मुतालिक अमरीकी दावों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। रूस के सरकारी नशरियाती इदारे टेस के मुताबिक रूसी ऐवान सदर क्रेमलिन के तर्जुमान दैमतरी पेस्कॉफ ने CNN से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अमरीका का यूक्रेन जंग में रूसियों की हलाकत की तादाद का दावा हवा में कही गई बात की तरह है, जो सरासर गलत है। दमतरी पेस्कॉफ का मजीद कहना था कि अमरीका हलाक शुदा रूसियों की सही तादाद बता ही नहीं सकता जब तक रूसी वजारत दिफा की जानिब से आदाद शुमार जारी ना किए जाएं। वाजह रहे कि रूस ने सितंबर के बाद से कोई हलाकतों की तादाद शाया नहीं की। सितंबर में जारी करदा रूस के आदाद शुमार के मुताबिक यूक्रेन जंग में तकरीबन 6,000 रूसी फौजी मारे गए थे। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।